सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड कार्यालय में प्रमुख प्रिया कुमारी ने हलका 6 के कर्मचारी मुन्ना प्रजापति से परेशान होकर अंचलाधिकारी को आवेदन लिखा है। हालांकि अंचलाधिकारी के न होने के बाद अंचल कार्यालय के चपरासी नसीर अहमद को ज्ञापन सौंप। आवेदन में प्रमुख ने लिखा है कि मुन्ना प्रजापति अपने मनमाने तरीके से पंचायत भवन में बैठकर बिचौलियों से मिलकर ग्रामीण जनता से अवैध तरीके से पैसे की मांग करता है। अवैध पैसा नहीं देने पर ग्रामीण जनता को ना ही जमीन का ऑनलाइन रसीद छूटता है और ना ही छात्रवृत्ति फॉर्म भरने वाली जातीय स्थानीयता इत्यादि का फॉर्म छोड़ा जाता है। आवेदन छोड़ने के लिए भी 200 रुपए की मांग करता है। इस विषय पर विचार विमर्श करते हुए मुन्ना प्रजापति कर्मचारी को अविलंब पंचायत भवन से हटाकर अंचल परिसर में शिफ्ट करने का आवेदन दिया गया है। पूर्व में सांसद प्रतिनिधि विनोद प्रसाद गुप्ता भी पलामू उपायुक्त को आवेदन देकर कहा है कि कर्मचारी भवन पंचायत भवन से हटाकर प्रखंड मुख्यालय में शिफ्ट कराया जाए। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि जहां पर कर्मचारी मुन्ना प्रजापति बैठते हैं वह भवन रोजगार सेवक कक्ष है, वहां रोजगार सेवक ना बैठकर कर्मचारी को बैठना कहां तक सही है। तरहसी से सुधाकर पांडे के साथ संतोष पांडे की रिपोर्ट। मामला क्या है? मामला ये है कि कर्मचारियों को पंचायत भवन में ना बैठकर प्रखंड कार्यालय में बैठने को सुनिश्चित करें। दूसरी बात, हल्का 6 के मुन्ना प्रजापति अपने मनमानी किए जा रहे हैं। क्या है ये मुन्ना प्रजापति? कर्मचारी हल्का 6 के कर्मचारी हैं और इसमें जनता की दिक्कत आ रही है। हम इसके लेकर पूरे तरह से प्रखंड के जनता को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, काम अच्छा से नहीं होगा तो। और तीसरी बात, अभी छात्रवृत्ति फॉर्म भरा रहा है विद्यार्थी लोग के, इसमें जाति स्थानीय छोड़वाने में पैसा की मांग करते हैं। कौन पैसा की मांग करते हैं? मुन्ना प्रजापति ये कर्मचारी हैं? कर्मचारी हैं अलगा 6 के। अच्छा, इसके बावजूद भी यहाँ दलाल भी चल रहा हावी रखते हैं, ऐसा इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि उन लोग को हटाकर अपने सही तरीके से काम करें कार्यालय तरहसी प्रखंड में कार्यालय में, और इसमें सीसी कैमरा के भी निगरानी में काम करें, जबकि काम अच्छा हो। कैमरा है तब नहीं आ रहा है जी, कुछ होगा। क्या अंचल से जुड़ी इतना मामला आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या मामला है? देखिए, अंचल से जुड़ी ये मामला है कि जो यहाँ पे कर्मचारी कक्ष है वो पंचायत भवन में चलता है, जिसके लिए हम पूर्व में भी माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से 15-3 को आवेदन दिए थे, जिसमें अभी तक किसी तरह का सूचना हमें उपलब्ध नहीं हुई है। और अंचल कार्यालय का जो कर्मचारी कक्ष है उसमें दलाल बिचौलिया हावी रहते हैं, जिसमें आपको जो रजिस्टर 2 है, हथियान है, इनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, ओवरराइटिंग किया जाता है, और कहीं कहीं तो आप पेज को देखने से पता चलेगा कि फाड़ के भी ये सब बेच देता है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये आप रजिस्टर 2 की जांच कर लीजिए, खतिहान की जांच कर लीजिए, सैकड़ों ऐसे शिकायत मिल जाएंगे जहाँ पे ओवरराइटिंग मिलेगा। ये शिकायत हम लोग के पास भी आया कि पहले नहीं था, अब ये इस तरह का आ रहा है। तो हम लोग इसमें अपने स्तर से भी जांच किए, तो कार्यालय जाने के बाद मैं भी देखा कि वहाँ दलाल बिचौलिया हावी हैं, और ये सब कारण पंचायत भवन में जो शिफ्ट है इस कारण हो रहा है। अगर ये अंचल कार्यालय में आ जाए और सीसी कैमरा के निगरानी में आ जाए तो जो तरहसी प्रखंड के जितना भी जमीन है वो सुरक्षित हो जाएगी। कर्मचारी कहाँ बैठते हैं कि काम नहीं हो पाता? पंचायत भवन में बैठते हैं कर्मचारी लोग, प्रखंड हल्का 5 और हल्का 6 जो अंचल कार्यालय के बगल में है, प्रखंड कार्यालय के बगल में है, लेकिन वहाँ कोई सीसी कैमरा निगरानी नहीं है। अगर आज चोरी हो जाती है तो भी ये सब जिम्मेवारी से हट जाएंगे
और यहाँ पे अरबों रुपये का संपत्ति है जो तरहसी प्रखंड के अंचल कार्यालय में कागज के माध्यम से संलिप्त है। आज इनके पास किसी तरह का चेक स्लिप बनवाने आइए, खतियान का नकल लेने आइए, रजिस्टर टू का नकल लेने आइए, तो इनके द्वारा एक ही लाइन में लिखा जाता है कि रजिस्टर टू फटा हुआ है, खतियान फटा हुआ है। तो ये सब समस्या आ रही है और ये सब के पीछे दलाल बिचौलिया हावी हैं। सीसीए कैमरा की निगरानी में अंचल कार्यालय का जो रूम है उसके अंतर्गत कर्मचारी कक्ष को रखा जाए। अब तहसील प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि हैं, क्या मांग करते हैं? हम माननीय अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी से मांग करते हैं कि सीसीए कैमरा के निगरानी में ही जो कर्मचारी कक्ष है उसको रखा जाए और जो भी शिकायतें रहे हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।